हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन के अंदर। बच्चों, यूपी में जो बीडीओ की परीक्षा होने वाली है उसमें जो है आपका तारीख भी आ चुका है, 27 जून के आसपास आपकी परीक्षा होगी। और आपको जो तीन सेगमेंट दिए जाते हैं उसके अंदर, वो तीन सेगमेंट क्या है सिलेबस के अंदर बच्चों, तीन सेगमेंट पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उनमें से बच्चों सबसे पहला सेगमेंट है आपका हिंदी का, जो कि 50 क्वेश्चन होते हैं बच्चों, और एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है, यानी जो आपका इसका नंबर होगा वो 100 नंबर का होने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद रीजनिंग होता है, उसके जो होते हैं बेटा 50 क्वेश्चन रीजनिंग के भी होते हैं, और GK GS, ठीक है बच्चों, GK GS जो होता है वो भी 50 होता है, यानी कि ये भी 100 नंबर और ये भी 100 नंबर। तो बच्चे जो है बच्चों, हिंदी और रीजनिंग में तो जहाँ तहाँ से आराम से कर लेते हैं, समस्या उनकी फंस जाती है बच्चों GK के अंदर, कि जो कि बहुत सारा डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो GK में जो 50 क्वेश्चन है, अगर कोई भी बच्चा इसमें से 30 क्वेश्चन अगर कर ले जाता है तो उसको बहुत आराम से बच्चों क्या होता है कि सिलेक्शन के पास तक पहुँच जाता है, 30 क्वेश्चन, केवल 30, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग बहुत भयानक है, 1/2 का माइनस मार्किंग है, आधे का माइनस मार्किंग बेटा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा GS और GK GS आपका बहुत ज़्यादा भूमिका निभाने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो आइए, जो मैंने आपका एक पूरा सिलेबस बनाया GK GS का, और ये पूरे आपके एग्ज़ाम तक हम लोग इसको पूरा का पूरा निपटा देंगे बच्चों, ठीक है ना। तो आइए पहले देखते हैं इसमें कौन कौन से सेगमेंट हैं GS के, GK के, जहाँ के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम के अंदर। तो पहला सेगमेंट है भारत का भूगोल, ठीक है बच्चों, भारत के भूगोल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा बच्चों, इसलिए क्योंकि ग्रामीण समाज में आपको काम करना है, ग्रामीण समाज की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, जो कि आपको कृषि वगैरह भी जाननी पड़ेगी, जो कि आपको आएगा भारत के भूगोल के अंतर्गत, ठीक है बच्चों। इतिहास के अंतर्गत बच्चों, इतिहास में 3 प्रकार का इतिहास, आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन, ठीक है बच्चों, ये तीनों आएंगे, और तीनों में सबसे ज़्यादा बच्चों क्वेश्चन आपका आधुनिक भारत से बनता है, ठीक है ना, आधुनिक और प्राचीन से। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि मुगल शासन या जो मध्यकालीन भारत के कुछ मुगल वंश हैं उनको हटाने की बात की, लेकिन फिर भी हम उसको पढ़ते चलेंगे बच्चों, ठीक है ना। आगे बेटा भारतीय राज्य व्यवस्था, क्योंकि आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, कुछ नहीं, आप एक निम्न स्तर के भी अधिकारी हैं, आपके अंदर 5-6 गांव आने वाले हैं, तो एक आप अधिकारी की ही फीलिंग लेकर के आएंगे, और उसके लिए आपको पता होना चाहिए भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था के बारे में। और भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे ज़्यादा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य हुआ, फंडामेंटल राइट्स हो, जो कि आपका मैंने बताया अभी, और आपका नीति निर्देशक तत्व, जो भी संवैधानिक संस्थाएँ हैं, जैसे कि राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, संसद के बारे में बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्वेश्चन जो होगा वो आपका यहाँ पे बनेगा भारतीय राज्य व्यवस्था से। अब आगे चलेंगे, देखेंगे बेटा यहाँ पे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, करंट अफेयर जो कि आपसे 365 दिन, ठीक है ना, अब के जो करंट अफेयर आएंगे वो आपके लिए कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, जो आज से करंट अफेयर चलेंगे बच्चों, कह सकते हैं कि मई जून का करंट अफेयर आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि पेपर बन चुका होगा बच्चों, ठीक है ना। और यानी कि आप कह सकते हैं कि अप्रैल से, ठीक है बच्चों, अप्रैल से पीछे जो है आप 365 दिन का जो भी योजनाएं हैं राष्ट्रीय स्तर पे, जो भी कार्यक्रम चले हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी नियुक्तियाँ हैं, उन सबको हम यहाँ पर देखते चलेंगे, ठीक है ना। भारत के आर्थिक मुद्दे, भारत के आर्थिक मुद्दों में जैसे बजट अभी हाल ही में पास हुआ है बच्चों, तो बजट से क्वेश्चन जरूर रहेगा, इस बात को आप लीजिएगा, मेरा पूरा बजट तो नहीं रहेगा, लेकिन उसके जो बेसिक आयाम होंगे आपके क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे बच्चों, ठीक है ना। आगे देखेंगे इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें आएंगी, पंचवर्षीय योजनाएँ जो भी आपके अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण होंगी, बैंकिंग सिस्टम से आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेसिक टाइप के, ठीक है ना। अब देखेंगे किताब और लेखक से, क्योंकि हिस्ट्री में भी कुछ किताबें लिखी गई हैं हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा, और नई भी कुछ किताबें लिखी गई हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम की किताबें, नरेंद्र मोदी जी की किताबें, ओबामा जी की किताबें, ये सब भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा इसके अंदर, ठीक है ना। आगे जो टॉपिक यहाँ पे GK के अंदर उन्होंने मेंशन किया है वेबसाइट पर, वह महत्वपूर्ण तिथियाँ, ठीक है, महत्वपूर्ण तिथियाँ भी आपको याद रखनी है कि कौन सी, थल सेना दिवस, जैव विविधता दिवस, पृथ्वी दिवस, ये जो तिथियां हैं बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि मैं एक एक करके सब आपको कराऊंगा, ठीक है ना। पूरा जो मेरा सीरीज चलेगा बच्चों, उस सीरीज में आप लोग ज्वाइन करिएगा, उस पूरे सीरीज में हम लोग बने रहेंगे 27 जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, ठीक है बच्चों, पूरा GS कम्प्लीट कर लेंगे, और आप देखेंगे कि बहुत अच्छा अनुभव रहेगा आपका उसमें, ठीक है बच्चों।
अब खेल से संबंधित भारत के अंदर जो राष्ट्रीय स्तर पर खेल हो रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल हो रहे हैं जहाँ से भारत ने भाग लिया उनके अंदर, वो भी कहीं ना कहीं आपका क्या होगा यहाँ पे महत्वपूर्ण रहने वाला है बच्चों। आगे अगर देखेंगे टॉपिक 9 में भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति का मतलब भारत के कुछ क्षेत्रों में जो त्यौहार मनाए जाते हैं, जो मेले आयोजन किए जाते हैं, कुछ मंदिरों के बारे में, कुछ कह सकते हैं कि भारत की जो भी संस्कृति है बच्चों वो यहाँ पे उससे बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। बेसिक मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा एडवांस लेवल नहीं। आगे चलेंगे सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान कहने का अर्थ है कि भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। इससे आपके नॉर्मल क्वेश्चन बनेंगे कक्षा 10वीं के NCERT तक बच्चों, कक्षा 10वीं लेवल तक की आपकी यहाँ पे सामान्य विज्ञान बनेगा। इसमें भी हम लोग देखते चलेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। फिर है देश और राजधानियाँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है देश के बारे में, वो भी कौन से देश, 200 के आसपास देश है बच्चों। सारे देशों का राजधानियाँ याद करना तो आसान नहीं है, लेकिन वो महत्वपूर्ण देश जो कि अभी चर्चा में है उनके बारे में क्वेश्चन जो है बच्चों यहाँ से बनेगा। इस बात पे ज़रा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखेंगे तो कुछ नए आविष्कार वगैरह हैं, तो आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के आसपास, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी से कुछ क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। और यहाँ देखिएगा सामान्य विज्ञान के अंदर, मैं यहाँ पे एक बात और क्लियर कर रहा हूँ, सामान्य विज्ञान में बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर से भी पूछे जाएंगे सामान्य विज्ञान के अंदर, ठीक है ना। उसको देखिएगा, नए आविष्कार के बारे में भी बच्चों आपको याद रखना है कि इसरो के द्वारा, DRDO के द्वारा जो भी आविष्कार किए गए हैं, नासा के द्वारा या फिर किसी के द्वारा, तो यहाँ पे जो कहीं ना कहीं भारत पे अपना प्रभाव रख सकते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। संगीत और साहित्य को भी यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ठीक है ना। जो भी हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत हैं, यहाँ पे जो साहित्य की रचना है, जो भी साहित्य हैं उनके बारे में बेटा यहाँ पे देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे आता है ग्रामीण समाज और पंचायत, क्योंकि जब आप अधिकारी बन के जाएंगे ग्राम विकास अधिकारी, तो बच्चा कहीं ना कहीं आपको जो है ग्राम लेवल पे काम करना पड़ेगा और आपको ग्राम समाज के बारे में एक बेहतर जानकारी होनी चाहिए, पंचायत के बारे में एक बेहतर जानकारी होनी चाहिए, जिसको हम क्या कहेंगे, इसी वजह से क्या होता है कि आपका जो एक चयन है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद आएगा स्टैटिक GK, ठीक है बच्चों। स्टैटिक GK के अंदर जो है, जो ऐसा GK होता है बच्चों जो बदलता नहीं है, ठीक है ना। इतिहास भी ऐसे ही है, स्टैटिक के अंदर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे उसने अलग से मेंशन किया स्टैटिक GK, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे वो ज़रूर पूछेगा कि गवर्नर सबसे पहला कौन था, सबसे पहला ये कौन थे, या फिर सबसे पहला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने, इस टाइप का जो होता है स्टैटिक आपसे वो पूछेगा बच्चों, ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं कि चावल की खेती कौन ज़्यादा करता है, या चावल का कटोरा किसे कहते हैं, ये सारा इसी जो सारा चीज़ें हैं ना वो स्टैटिक के अंदर आ जाएंगी। और बात करें यहाँ पे उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में, तो उत्तर प्रदेश सरकार की ये भर्ती है, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश विशेष आपसे पूछा जाएगा, और इस विशेष के अंदर आपसे करंट अफेयर भी पूछा जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इस वाले दो सेक्शन को जो है, ये दो सेक्शन आपको तो महत्वपूर्ण से तैयार करना है बच्चों। तो यहाँ पर लगभग 16 टॉपिक हैं, और ये 16 टॉपिक जो है मैं आपको आपके एग्ज़ाम तक जो है एक एक वीडियो रोज़ाना डालता रहूँगा बच्चों। क्वेश्चन जो है एकदम उसमें जो है भर भर के आपको कंटेंट लिखवाने वाला हूँ, इस बात को आप ध्यान से रखिएगा। और आज जो है ये पूरे के पूरे GK के सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया है बच्चों, और आप जो है GK का पूरा सीरीज लीजिएगा, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे आपके सीरीज के साथ। जय हिंद।